Hello students, today we are going to study about the chapter number 2nd, which is noun and their types. In this chapter we are studying about the different kinds of nouns, numbers and gender. हमने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा? नाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, जेंडर्स के बारे में पढ़ा और नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में पढ़ा. आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तो हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ देम. हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है, नाउन को फाइंड आउट करना है और उस नाउन के टाइप को भी हमें लिखना है कि नाउन का कौन सा टाइप है. हमने नाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने पढ़ा था. तो हमें सेंटेंस में से प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है और देन हमें उसका काइंड लिखना है कि ये तीनों टाइप में से कौन सा नाउन है. तो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग sentences and write the write the type of each of them. सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे. हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, सुमित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. क्या सेंटेंस है? सुमित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. सुमित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, हमें नाउन को अंडरलाइन करना है और हमें उसका क्या बताना है, काइंड बताना है कि कौन सा काइंड है. तो आप इस सेंटेंस में देखिए, आपको कौन कौन से नाउन दिख रहे हैं. हमें दिख रहा है सुमित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. तो आप देख रहे हैं सुमित आपको नाउन दिख रहा है और सुमित के अलावा आपको नाउन वर्ड क्या दिख रहा है, बॉय. सुमित और बॉय दोनों क्या है, नाउन है. तो सबसे पहले हम सुमित के बारे में, तो हम नाउन का देखते हैं. तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, सुमित नाउन है. सुमित क्या है, किसी लड़के का नाम है, पर्टिकुलर नेम है. तो नाउन का कौन सा टाइप होगा, वो प्रॉपर नाउन है. सुमित कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना. हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था, जो पर्टिकुलर किसी नाउन के नेम को बताता है हमें, ठीक है ना. फिर हम देखते हैं बॉय. बॉय क्या है, बॉय भी एक नाउन है, लेकिन बॉय कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है. तो अब हम देखते हैं बॉय नाउन का कौन सा टाइप है, कॉमन नाउन. वो कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलर एक जाति का बोध करा रहा है हमें, ठीक है ना. एक जनरल आप देख रहे हैं, जनरल नाउन है, जिसे जनरली हर तरह के व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है. लेकिन जब हम बॉय में ही पर्टिकुलर कोई नेम दे देते हैं लाइक सुमित, तो वो हमारा नाउन का कौन सा टाइप हो जाता है, प्रॉपर नाउन. अब हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है द जूस हैज नो स्वीटनेस. क्या है हमारा, द जूस हैज नो स्वीटनेस. अब इस सेंटेंस में देखिए, आपको क्या कौन कौन से नाउन दिख रहे हैं, आपको द जूस हैज नो स्वीटनेस. तो आप देख रहे हैं इसमें आपको नाउन दिया गया है जूस. जूस भी एक नाउन है, तो जूस कौन सा नाउन है आप बताएंगे. जूस कॉमन नाउन है,
कॉमन नाउन, जूस क्या है कॉमन नाउन है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं स्वीटनेस, स्वीटनेस किस में आती है, आप देखेंगे स्वीटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, किसे, जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं, इसे ओनली फील किया जा सकता है, ठीक है ना। तो स्वीटनेस नाउन का कौन सा टाइप है, स्वीटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे ओनली क्या किया जाता है, फील किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें दिया गया है ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में आपको दिया गया है ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, तो एक तरह से वो ग्रुप को दिखा रहा है, तो हमारा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, तो हमारा क्या है बंच, तो हमारा इसमें नाउन क्या है बंच, जो कौन सा नाउन है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन सा नाउन है, बंच ऑफ ग्रेप्स आप देखते हैं कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि अंगूर के ग्रुप के बारे में, गुच्छे के बारे में हमें बता रहा है, तो जो चीज ग्रुप को डिनोट करती है वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है ना। अब हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, सुमित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसमें सुमित प्रॉपर नाउन एंड बॉय कॉमन नाउन है। द जूस हैज नो स्वीटनेस, तो जूस नाउन का कौन सा टाइप है, वैसे आप देखेंगे जूस लिक्विड में भी आता है, तो इसे हम नॉन काउंटेबल नाउन्स में भी रखते हैं, हमने अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था, तो जूस एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन के टाइप में भी आता है, और स्वीटनेस क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच क्या है कलेक्टिव नाउन है। अब हम आगे के सेंटेंसेस को देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में हमें दिया गया है ही हैज बीन अ गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड, क्या है ही हैज बीन अ गुड सिंगर, ही हैज बीन अ गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड तो आप देखेंगे चाइल्डहुड एक पूरा वर्ड है, हम लिख लेते हैं इसको, यही ले लेते हैं चाइल्डहुड, हिज चाइल्डहुड। अब आप इसमें देखिए आपको कौन सा नाउन दिया गया है, ही हैज बीन अ गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा है हमारा नाउन चाइल्डहुड, तो आपने किसको पिक आउट किया चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड नाउन का कौन सा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाइल्डहुड को हम हमारा बचपन बोलते हैं, तो इन चीजों को ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, इसे हम ओनली फील करते हैं, तो वो सारी चीजें जो हमारे एक्चुअल में हमारे भावों को एक्सप्रेस करती है उन्हें हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, तो चाइल्डहुड किस में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। फिर हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, क्या सेंटेंस है हमारा, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, गांधी जी क्या है पर्टिकुलर नेम है, तो गांधी जी कौन सा नाउन होगा प्रॉपर नाउन, देन हमें कौन सा दिख रहा है इंडिया, इंडिया क्या नाम है किसका नाम है कंट्री का नाम है, तो गांधी जी और इंडिया पर्टिकुलर किसी इंडिया कंट्री का नाम है और गांधी जी पर्सन का नेम है, तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा प्रॉपर नाउन, तो हमने कौन कौन से इसमें देखे गांधी जी एंड इंडिया, दे बोथ आर
प्रॉपर नाउन दोनों क्या है, कौन से नाउन है, नाउन का प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। क्या सेंटेंस है, विदाउट विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देयर इज नो हैप्पीनेस। अब इस सेंटेंस पे देखिए, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारी एक तरह से फीलिंग है, खुशी, तो जहां हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो नाउन कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हैप्पीनेस क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से हमने देखा प्रॉपर, हमने इसको डेफिनेशन के साथ भी देखा कि प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर नाउन को, पर्टिकुलर नेम को एक्सप्रेस कर रहा हो, कॉमन जो एक तरह से एक जाति को, जाति का बोध कराता हो, और एब्स्ट्रैक्ट जो फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ये हमारा सेंटेंस नंबर 7, आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया। आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया। तो आप इसमें देखेंगे आपको कौन सा नाम दिख रहा है, इंडिया, और इंडिया किसका नाम है, कंट्री का नेम है, तो पर्टिकुलर नेम है, इसलिए वो नाउन कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। इसमें हमने कौन सा नाउन पिकआउट किया, हमने देखा इंडिया, इंडिया किसी कंट्री का नाम है पर्टिकुलर, तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट हमें दिया गया, द गीता एंड द रामायण आर होली बुक्स। क्या दे रखा है, द गीता एंड रामायण, रामायण आर होली, होली बुक्स, ये दोनों होली बुक्स है, पवित्र किताबें हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपको कौन कौन से नाम दिख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं गीता एंड रामायण। तो गीता और रामायण दोनों पर्टिकुलर बुक का नाम है, तो आप क्या देखेंगे, गीता एंड रामायण कौन से नाउन हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर आप देखेंगे बुक भी नाउन है, पर बुक नाउन का कौन सा टाइप है, बुक है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा, रामायण और गीता पर्टिकुलर बुक्स का नाम है, इसलिए हमने उन्हें प्रॉपर नाउन में रखा। बुक एक कॉमन जनरल लोगों के द्वारा यूज किया जाता है नेम, तो वो क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है, आर आर्मी शोड ग्रेट करेज इन द बैटल ऑफ, इन बैटल लास्ट ईयर। क्या है, आर आर्मी, आर्मी शोड शोड ग्रेट करेज, ग्रेट करेज इन द बैटल, इन द बैटल लास्ट ईयर, इन द बैटल लास्ट ईयर। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से रीड आउट कीजिए, आर आर्मी, आर्मी क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये ग्रुप को बता रहा है, तो आर्मी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। नाउ यू जस्ट सी, आर आर्मी शोड ग्रेट करेज इन द बैटल लास्ट ईयर। तो करेज आप देखेंगे क्या, कौन सा नाउन है, करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले हम देखेंगे आर्मी, आर्मी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और फिर हमने देखा हमारा करेज,
करेज नाउन का कौन सा टाइप है? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से हमने देखा, आप हमारे बाकी सेंटेंसेस को भी देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है, इन दिस सेंटेंस द लिटिल गर्ल हैज नो फियर। क्या सेंटेंस है? द लिटिल गर्ल हैज नो फियर। अब आप इसमें देखेंगे लिटिल गर्ल, तो आप देखेंगे गर्ल क्या है, एक तरह से है ना, आप देखेंगे गर्ल तो हमारे लिए क्या है, कॉमन नाउन है। फिर आप देखेंगे, हम देख चुके हैं पहले, फियर, फियर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो एक तरह की फीलिंग है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, फियर, फियर कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें दिया गया है फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। क्या है? फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें आप देखेंगे फ्रूट्स क्या है, कॉमन नाउन है, फ्रूट्स कॉमन नाउन। इस तरीके से हमने हमारे क्वेश्चन ए को कंप्लीट किया, जिसमें हमने सेंटेंस में से नाउन को अंडरलाइन करके उसके टाइप के बारे में लिखा। अब हम हमारा क्वेश्चन बी करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया, उस वर्ड को हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करके हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बी लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब हम वन बाय वन हमारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द डैश ऑफ दिस टेबल इज एज मच एज इट्स डैश, और हमें ब्रैकेट में दो वर्ड दे रखे, लॉन्ग और वाइड। अब हमने देखा था कि लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वाइड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम देखते हैं। तो हमें क्या सेंटेंस दे रखा है, द डैश ऑफ दिस टेबल is as much as its dash. और ब्रैकेट में हमें दिया गया लॉन्ग एंड वाइड। अब आप देखिए फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा, लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, लेंथ। क्या होता है लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेंथ। तो हमने फर्स्ट फिलअप में क्या लिख दिया, लेंथ। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज एज मच एज इट्स, सेकेंड वर्ड हमें क्या दे रखा, वाइड। वाइड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, विड्थ। क्या हो जाएगा, विड्थ, WIDTH, विड्थ। ठीक है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन टोटली डिफरेंट होता है उसके वर्ड से, लॉन्ग का होता है लेंथ और वाइड का होता है विड्थ। तो इस तरीके से हमने हमारे सेंटेंस को कम्प्लीट किया।
नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हमें दिया गया है डैश लीड्स टू वायलेंस. क्या है? डैश लीड्स टू वायलेंस, वायलेंस. और हमें इसमें दे रखा है ब्रैकेट में हे. अब हमें ये पता होना चाहिए कि हेट वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तभी हम उसे प्रॉपर सेंटेंस में पुट कर पाएंगे. तो हेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हेट्रेड, एच ए टी आर ई डी. हेट्रेड लीड्स टू वायलेंस. आप किसी से जितनी ज्यादा हेट करोगे वो वायलेंस में कन्वर्ट होती जाएगी, उतना ही ज्यादा वायलेंस होगा. ठीक है ना? तो हेट्रेड लीड्स टू वायलेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है The thieves show dash. Next sentence क्या है? The thief, the thief show dash. हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया dishonest. तो dishonest का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? Dishonesty. तो यहां वर्ड क्या आ जाएगा? The thieves शो डिसऑनेस्टी. क्या आ जाएगा? डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी. ठीक है ना? तो ये वर्ड्स हमें प्रॉपर लर्न होने चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है द आर्मी मैन मूव्ड अहेड डैश. क्या होगा? नेक्स्ट सेंटेंस द आर्मी, द आर्मी मैन moved ahead dash. और हमें ब्रैकेट में दिया गया courageous, courageous. ठीक है ना? अब आप देखेंगे courageous का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? courage. The army man moved ahead courage. ठीक है? फिर नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया है, हम देखेंगे हमारे सेंटेंस में द टीचर शोड अ लॉट ऑफ डैश विद द स्टूडेंट्स. क्या है? द टीचर, द टीचर शोड, द टीचर शोड अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ डैश विद द स्टूडेंट्स, विद the, with the students, with the students. अब आप देखेंगे the teacher showed a lot of, हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया patient, p-a-t-i-e-n-t. अब इसका आप देखेंगे इसका एब्स्ट्रैक्ट नाम क्या होगा? patience. the teacher showed a lot of patience with the students. क्या हो जाएगा? patience, patience with the students. एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं. The length of this table is as much as its width. तो हमें पता होना चाहिए long का abstract noun length होता है और wide का abstract noun width होता है. Dash leads to violence. Bracket में word दिया गया hate. Hatred leads to violence. Next है the thieves show dash. Bracket में dishonest. Dishonest का abstract noun होगा dishonesty. Next word हम देखते हैं, हमें दिया गया है the army man moved ahead, courageous था तो उसका हो गया courage. The teacher showed a lot of dash with the student, patient का हो गया patience. ठीक है ना? तो ये हमें learn करने पड़ेंगे कि कौन से word का abstract noun किस तरीके से change होता है. फिर हम next sentence देखते हैं, हमें दिया है अब सेंटेंस नंबर सिक्स देखेंगे. सेंटेंस सिक्स, सेंटेंस सिक्स में हमें दिया गया है द डैश ऑफ पुलिस हैज कॉट अ गैंग ऑफ रोबर्स. क्या है? द डैश, डैश ऑफ पुलिस, डैश ऑफ पुलिस हैज कॉट
has caught a gang of robbers. इसमें आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया गया इंटेलिजेंट. तो यहाँ वर्ड हो सकता है द इंटेलिजेंसी ऑफ पुलिस हैज कॉट अ गैंग ऑफ रॉबर्स, या इंटेलिजेंस ऑफ पुलिस भी लिख सकते हैं हम. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इंटेलिजेंस ऑफ पुलिस हैज कॉट अ गैंग ऑफ रॉबर्स. नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, हमें दिया गया है there was a lot of dash to see the match. अब हमें ब्रैकेट पे वर्ड दिया गया है एक्साइट. क्या वर्ड दे रखा है? एक्साइट. तो एक्साइट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एक्साइटमेंट. तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट. तो क्या सेंटेंस था? देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टू सी द मैच. ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया है, अमित ड्यू टू हिज डैश रीच लेट इन द मैरिज शो. Amit, due to his dash, reached late in the magic show. और हमें ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है वो है लेजी. क्या दे रखा है? लेजी. तो आप देखेंगे अमित ड्यू टू हिज लेजीनेस क्या होगा? लेजीनेस. अमित ड्यू टू हिज लेजीनेस रीच्ड लेट इन द मैजिक शो. तो लेजी का एब्स्ट्रैक्ट नाम क्या होगा? लेजीनेस. तो इस तरीके से आज हमने हमारे चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया. नेक्स्ट सेशन में हम इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.